वाणी में ही जहर है और वाणी में ही अमृत है। वाणी ही हमें लोकप्रिय बनाती है और वाणी ही हमें अपयश देती है। जरा कल्पना करो कि हमारे शरीर में सबसे अच्छा अंग कौन सा है, कौन सा है ऊपर से नीचे तक, कौन सा है, कौन सा है? हो सकता है कोई कहे दिमाग, कोई कहे दिल, कोई कहे उदर, कोई कहे सांस। मैं कहूंगा हमारे शरीर में सबसे अच्छा अंग अगर कोई है तो वो है हमारी जीभ, और सबसे बुरा अंग भी कोई अगर है तो वो भी है हमारी जीभ। इनसे ही कैंची चलती है और इनसे ही सुई धागा चलते हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो जोड़ने का काम करते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो तोड़ने का काम करते हैं। कृष्ण भगवान गए थे हस्तिनापुर में और उन्होंने प्रयास किया था कि मैं अंतिम क्षण तक ये प्रयास करूंगा कि युद्ध ना हो, शांति कायम हो। और उन्होंने कहा कि तुम राज्य को छोड़ो, इंद्रप्रस्थ को छोड़ो, अगर तुम छोटे से 5 गांव भी दे दोगे तो मैं पांडवों की ओर से वादा करता हूं कि पांडव तब शांति से रह लेंगे। उन्हें केवल 5 गांव भी दे दो जीने के लिए, तब भी वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जब दुर्योधन ने यह कहा कि मैं सुई की एक नोक भी तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं हूं, तो बोले तब फिर अधिकारों को पाने के लिए अगर हमें हथियार भी उठाना पड़े तो फिर हम हथियार उठाएंगे, पर हमारा अंतिम प्रयास, अंतिम चरण तक भी शांति का ही प्रयास होना चाहिए। यह जवान लड़ाती भी है और जोड़ती भी है। जवान से आप चाहे तो सत्य भी बोल सकते हैं और किसी के लिए सत्यानाश भी बोल सकते हैं। जवान से हम चाहे तो किसी के लिए दुआ भी दे सकते हैं और जवान से हम किसी के लिए बददुआ भी दे सकते हैं। सबका आधार बनती है ये जबान। अपनी बात समझाने के लिए मैं एक खास घटना का उपयोग कर रहा हूं, और घटना यह है, बात कह रहा हूं भीलवाड़ा की। वहां बाहिति भवन में हमारा चातुर्मास स्थित था, आजाद चौक में प्रवचन देते थे। सच्ची घटना बता रहा हूं कि एक बहन हमारे पास आई और आकर कहने लगी, गुरुदेव मेरे और मेरे पति के साथ पिछले 3 महीने से बोलचाल बंद है, न वो मुझसे बोलते हैं और न मैं उनसे बोलती हूं। वो मुझे देखते हैं तो उधर मुंह घुमा लेते हैं और मैं उन्हें देखती हूं तो इधर मुंह घुमा लेती हूं। पता नहीं एक दूसरे को देखकर हमारे भीतर खून खौलता है। मैंने टीवी में आपका प्रवचन सुना और मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे वापस समझौता करने का प्रयास करना चाहिए, पर मैं समझौता कैसे करूं? मैं इसी गली में ही बगल में पंडित जी रहते हैं, बड़े ज्योतिषाचार्य, मैं उनके पास गई और उनसे जाकर के कहा कि मैं समाधान चाहती हूं। तो पंडित जी ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें शहद की एक शीशी देता हूं, इसमें एक मंत्र भी लिख देता हूं, तुम सुबह उठ करके रोजाना इस शीशी को देख लिया करो। रोजाना अगर शहद की शीशी को देखते जाओगे तो देखते देखते अपने आप ही धीरे धीरे शहद का असर बढ़ेगा और मात्र 21 दिन में तुम्हारा पति खुद ही तुम्हारे वश में हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा, गुरुदेव 1.5 महीना तो हो गया उस शीशी को देखते हुए, पर अभी भी कुछ घटित नहीं हुआ। आप चूंकि भीलवाड़ा में आई हैं तो मैं आपके पास चली आई हूं और आप मुझे कोई समाधान दे दीजिए। हमने कहा, बहन एक काम करो, आप वो जरा पहले मुझे शीशी तो ला के दिखाओ क्या है, उसका टोटका जो किया उसको समझो तो सही। वो शीशी लेकर आई, मैंने देखा वो कुछ नहीं, वो केवल शहद की शीशी ही थी, ऑर्डिनरी शीशी थी। मैंने उस बहन से कहा कि मैंने कहा, बहन एक काम करो, आप मेरा कहना मानेंगे? बोले, जो हुक्म। आप तो केवल एक काम करो, कल सुबह जब उठो ना तो उठने के बाद सुबह सुबह नहा धो करके उठ जाना, थोड़ा सा चेहरा वेरा थोड़ा फिनिश कर लेना, टाना टान कर लेना, और उसके बाद चाय बनाना अपने हाथ से, थोड़ी इलायची विलायची भी डाल देना, अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाना और ले जाकर अपने पति के पास
वो चाय लेकर जाना। बोले मैं चाय तो रोज़ बनाकर उनको देती हूँ पर बोलती नहीं हैं। मैंने कहा बस आज एक काम करना है, आप थोड़ा चाय पास में लेकर जाना और उनको जाकर केवल एक लाइन अपनी तरफ से कह देना, लीजिए चाय पी लीजिए। क्या बोलना है? लीजिए चाय पी लीजिए। तो बोले इतने में काम हो जाएगा? मैंने कहा टोटका वो ना, भी क्या टोटका, मैं भी बता रहा हूँ, मैं केवल पॉजिटिव टोटका बता रहा हूँ, आप जाओ, आप तो केवल ले जाओ और मुंह से बोल करके चाय देना है। अब तक तो गूंगे बन करके नाराज होकर के चाय देती रही, आज थोड़ा सा मुस्कुराकर और थोड़ा सा अपने मुंह से अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना और अति की भली न धूप। आप ले जाना और ले जाकर मुंह से बोल दीजिएगा, लीजिए चाय पी लीजिए। पति ने चाय के लिए जैसे हाथ बढ़ाया कि पत्नी ने कप आगे बढ़ाया, मुंह से क्या बोला? सब बोलो तो, लीजिए चाय पी लीजिए। पति ने मुंह ऊपर किया, आज क्या हुआ, 3 महीने में पहली बार आज बोली है। अब चाय पास में ली, अब पत्नी ने भाई एक बार दीवार में छेद बनाने की जरूरत है, फिर तो छेद कब वो द्वार बन जाएगा कोई पता नहीं चलता। पत्नी ने जैसे ही कहा कि लीजिए चाय पी लीजिए, तो पति ने अब मुंह से बोला क्या बोला? मिनखो सारे बोल लो, क्या बोला? मतलब हाँ, अब मैं पीता हूँ। और ये करके उसने चाय ली और जैसे ही चुस्की लिए, अब पत्नी ने जब आगे बढ़कर के सॉफ्ट शब्दों में कह दिया कि लीजिए चाय पी लीजिए, तो अब चाय पीते हुए पति ने जब कह दिया हूँ, तो अब उसने पीते हुए कहा चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है, चाय तो बड़ी टेस्टी बनी है। तो बोले आधा कप और ले लीजिए ना। अब फिर उधर पति कह रहा है अब एक काम कर, नहीं नहीं केवल मैं अकेला ही नहीं बल्कि ले तू भी पी ले। और तब पति ने अपना कप जो आधा पिया हुआ था, पति पत्नी का प्यार कुछ अलग ही होता है, उनमें कुछ झूठ और वूठ वैसा कुछ होता नहीं है, एक दूसरे का झूठन भी है, एक दूसरे का झूठन ले सकते हैं। हाँ ये बात है कि झूठ बोलना कि नहीं बोलना अलग बात है, पर झूठन तो आराम से एक दूसरे की ले लेते हैं। और उसने अपना आधा कप आगे बढ़ाया, ले तुम भी पी लें, आप दे रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। अब दोनों ने चाय पीना शुरू किया। तुम एक बार दरवाज़ा खोलो तो सही, अपने यहाँ कहते हैं तुम अंगुली पकड़ो तो सही, आगे वाला काम तो हम अपने आप ही कर लेंगे। एक बार तुम अंगुली तो पकड़ लो, फिर तो आगे हम अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। एक बार कहा लीजिए चाय पी लीजिए, एक शब्द बोला, एक शब्द से वापस शब्द पर शब्द लौट कर आया। अब तक पहले कभी टेढ़ा शब्द बोला गया, वापस टेढ़ा शब्द लौट कर आया और दोनों के बीच में गांठ बन गई। 3 महीने के बाद में फिर वही जो टेढ़ा शब्द बोला गया था, हमने कुछ नहीं किया, उसी टेढ़ेपन को हमने केवल सॉफ्टनेस में बदल दिया और केवल इतना सा कहा लीजिए चाय पी लीजिए। और उन्होंने चाय पी, फिर उधर से एक लाइन निकली, फिर इधर से एक लाइन निकली, फिर उधर से एक लाइन निकली। 10 मिनट तक आपस में बातें की, एक ने दूसरे को सॉरी कहा और मामला रफा दफा हो गया। उसी दिन दोपहर में वो बहन जी हमारे पास आई और हाथ से इशारे से करने लगी गुरु जी। मैंने कहा आइए बैठिए। बोले बाप जी जो काम अब तक शहद की शीशी को 1.5 महीने तक देखकर नहीं निपट पाया, वो केवल आपके द्वारा कही गई एक सॉफ्ट लाइन के कारण वो काम निपट गया। मेरे भाई शहद की शीशी देखने की चीज़ नहीं होती, जबान को शहद की शीशी बनाने की ज़रूरत होती है। इस जुबान को शहद की शीशी बनाने की ज़रूरत होती है। जो बात हम लोग तैश में आकर कहते हैं वही बात प्रेम से भी निपटाई जा सकती है, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है।